थाना बरुआ पुलिस द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी में नाजायज गांजा की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक चंदोली अमित कुमार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने के अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद, क्षेत्र अधिकारी सकलडिया भुवनेश चिंकारा के नेतृत्व में थाना बलुआ के प्रभारी निरीक्षक व टीम के मुखबिरी के सूचना पर बलुआ तिराहा पर बिना नंबर के सफेद स्कॉर्पियो के चालक द्वारा नाजायज गांजा व तमंचा के साथ चोबेपुर वाराणसी से बलुआ तिराहे से होकर कहीं जाने की फिराक में थे, लेकिन मुखबिरी के सही सूचना से अपराधी को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए अपराधी को जेल भेजकर पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई किया जा रहा है। पाइट अपर पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद, हमारे संवाददाता सुजीत कुमार चंदोली। सर, बलुआ थाना अंतर्गत बरामदगी हुई है सर, क्या मामला सर बोलते हैं? ये कल 15/12/2020 को बलुआ थाना क्षेत्र के बलुआ तिराहे पर संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ये सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो जो बिना नंबर प्लेट की है उसमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं हैं। इस सूचना पर जो है उस स्कॉर्पियो को एसआई जयकरण सरोज और थाना बलुआ के सिपाही चेक किए और चेक करने के बाद उसमें एक आदमी मिला जिसको उन्होंने पूछताछ की तो उसके पास से चेकिंग के दौरान उसके पास से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। इसके अलावा जब डिक्की खोली गई तो डिक्की से 5 बंडल बरामद हुए। जो चेक किया गया तो उसमें नाजायज गांजा था, 21 किलोग्राम गांजा है और इसकी कीमत बाज़ार में बहुत अधिक है। और 21.5 किलोग्राम गांजा, 5 बंडल और 60 पैकेटों से बरामद। सर, ये जो गिरफ्तार अभियुक्त है कहाँ का रहने वाला है, कहाँ के लिए जा रहा है? ये गिरफ्तार अभियुक्त धीरज कुमार पाल, ये दबेथुआ थाना फूलपुर जनपद वाराणसी का रहने वाला है। वाराणसी जनपद में इसके खिलाफ कई मुकदमे हैं, 307 के हैं, हत्या प्रयास और लूट के मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा। चंदौली में भी इसका आपराधिक इतिहास? चंदौली में इसका आपराधिक इतिहास नहीं है। ये जो मुकदमे लिखे गए हैं, जो कट्टा बरामद हुआ है ये आम साइड का मुकदमा लिखा गया और गांजा जो इनके पास से बरामद हुआ है। ये कहाँ के लिए गांजा लेकर कहाँ के लिए जा रहा था? ये कहीं भी मार्केट में ले जा सकते हैं, बलुआ से विशेषकर गाजीपुर की तरफ लोग ले जाते हैं और उधर से बिहार ले जाते हैं। तो बरामदगी के आधार पर इनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है।